कहीं किसी को मिल गया है तो उसको समझ नहीं है। भगवान शंकर ने सती को बहुत समझाया था कि ये मेरे इष्ट राम हैं जिसकी मैं दिन रात उपासना करता हूं, पूजा करता हूं, जप करता हूं जिनके नाम का, ये वही मेरे इष्ट राम हैं। लेकिन सती के दिमाग में बात नहीं उतरती क्योंकि महर्षि अगस्त के आश्रम में राम कथा सुनी नहीं थी।
मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन में कही ध्यावही कह नेति निगम पुराने आगम जासु कीर्ति गावई सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरयु अपने भक्त हित निज तंत्र वित रघुकुल मणि। भगवान शंकर ने इतने प्रमाण दिए कि ये मेरे इष्ट मेरे भगवान राम है, सती के दिमाग में बात उतरी नहीं, क्योंकि एक सदगुरु का अपमान कर लिया था, अवहेलना कर ली थी उसकी बात की कि राम कथा उसके मुखारविंद से सुनी नहीं थी। इसलिए परिणाम आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब भी ईश्वर किसी को प्राप्त हुआ है उसके मूल में उसके सदगुरु जरूर रहते हैं, क्योंकि सदगुरु के एक हाथ में परमात्मा का हाथ होता है और दूसरे हाथ में उसके शिष्य का हाथ होता है। जब योग के समय आता है विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति समय हमें बानी के उठो राम भंजों भव जापा मैं कहूं तात जनक परितापा। जब समय उचित आता है शिष्य का हाथ परमात्मा के हाथ में देकर के सदगुरु गति कर जाता है। इसलिए सदगुरु की महिमा परमात्मा से भी अधिक है, क्योंकि जैसे परमात्मा अनंत है ऐसे सदगुरु भी अनंत है। बात मानने की है, पंजाबी में कहावत है मान लिया ते शंकर ना मनिया ते कंकर। इसलिए सदगुरु भगवान के श्री चरण में नतमस्तक होकर के बड़े प्रेम से बड़ी भावना से बड़ी श्रद्धा के साथ। और एक सूत्र आपको एक बात और बताता चलूं कि जब कभी आप अपनी पूजा में व्यस्त हो, जब कभी आप अपने इष्ट की पूजा में व्यस्त हो लगे हुए हो और उसी समय यदि आपके गुरु आपके पास आपके घर में आ जाएं तो समझ लेना कि आपकी पूजा फलीभूत हो गई है। ये परमात्मा स्वयं साक्षात सदगुरु बन के आपके द्वार पर आ गए। और यही गलती की थी एक बार कारकुसुंडी में, उज्जैन के महाकाल के मंदिर में उपासना कर रहा था भगवान शंकर की, गुरु आ गए लेकिन ये दिखाने के लिए मैं तपस्या में लीन हूं जप में लीन हूं आंखें बंद करके बैठे रहे और भगवान शंकर नाराज हो गए। और उसी समय रुद्राष्ट की उत्पत्ति हुई थी। सभी से करके प्रार्थना है कि जब जब भी आपको अपने सदगुरु का ध्यान आए समझ लेना कि आपके भीतर परमात्मा का प्रवेश हुआ है। बड़े प्रेम से बड़ी भावना से श्रद्धा के साथ एक बार पुनः दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। कोई और भजन आपके रूबरू
सतगुरु मुझको देना सहारा।